here, welcome to this another episode of CUET counseling. और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं थ्रू CUET, राइट? सो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थ्रू CUET counseling, थ्रू CUET एग्जाम 2020, मतलब आप इनके बेसिस पे इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो. जहाँ पे सबसे पहली यूनिवर्सिटी है एपेक्स यूनिवर्सिटी. यहाँ पे कोई टॉप वाली लिस्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनमें आप CUET के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. तो एपेक्स यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज है, बैरेट यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है, राइट? BML मुंजाल यूनिवर्सिटी अगेन नोएडा में, राइट? देन करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है, IAS यूनिवर्सिटी, IIMT यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, राइट? हरियाणा, ठीक है. देन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, मेवार यूनिवर्सिटी, राइट? निक मार्क यूनिवर्सिटी पुणे. तो ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं CUET के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. क्या कट ऑफ है, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, इन सभी पे वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा. तो उसके लिए क्या करना है यार, सब्सक्राइब दबा का बटन क्लिक करना है ताकि अगर हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आए, बिकॉज यहाँ पे हम बात करने वाले CUET एग्जाम के बारे में, CUET काउंसलिंग के बारे में, CUET के थ्रू कॉलेजेस के बारे में, तो बने रहना है. NIIT यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, तीर थंकर, यू नो, महावीर यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर हम बात करें प्राइवेट में. उसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो अपने इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, कई सारे कोर्सेज के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर रही है CUET का एग्ज़ाम. तो ऐसे ही डिटेल डिस्कशन करेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में. सो वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहना है मेरे साथ.